मैंने झूले भी खाए वहाँ पर, फोटोग्राफी करवाई है। मुझे अच्छा लग रहा है आज मैं कोटा शहर के अंदर घूम रहा हूँ पार्क के अंदर, और पार्क जो है एक नमूना बन गया देश के अंदर। मेरे ख्याल शायद ही ऐसा पार्क पूरे देश में कहीं होगा। अनु बर्थडे को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो उसने अपनी कौशल दिखाया है, कौशल समझ दिखाई है। बगैर धारीवारी के आशीर्वाद को संभव ही नहीं था, तो उसकी जो उसका अनुभव जो है इस दिशा में है, मैं समझता हूँ वो भी अद्भुत रहा। तो मुझे खुशी है कि मैं आज आपके बीच में हूँ, और बहुत शानदार उपलब्धियाँ आपके कोटावासियों को मिली है, उसके लिए आप सबको कोटावासियों को बधाई, धन्यवाद। अभी कह रहे थे हमारे मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय आयुष्मान भाव के नाम से अभी प्रोग्राम बीसी हुई थी, मैं भी सम्मिलित हुआ उसके अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी में इस मौके पर मांग करना चाहूँगा, आप आयुष्मान भारत चल रहा पहले से ही 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और खाली सोशो इकोनॉमिक सेंसेस जो है उनके लिए सीमित है वो। मैं मांग करना चाहूँगा हेल्थ के अंदर राजस्थान सरकार मॉडल के रूपों पर ये देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से चिरंजीव योजना आई है, दुर्घटना बीमा दिया हम लोगों ने, जो कि राजस्थान की स्कीम साथ चल रही है, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने। मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहूँगा आप भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी ने बनाए थे 4 कानून, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून आपका बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार की जो इनकम तय हो, किस प्रकार से सरकार उनको प्रोवाइड करवाएगी, पेंशन के रूप में हो, मानदेय के रूप में हो, कुछ भी हो। और राइट टू हेल्थ एक्ट पास करना बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी है, वो एक्ट भी पास होना चाहिए भारत सरकार के अंदर। समय आ गया कि हमने जो स्टेप उठाए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए जो अभी तक कहीं है ही नहीं, जिसमें गिग वर्कर्स एक्ट भी है उसके अंदर शामिल है।